मैं स्टेट लेवल तक पहुंचा हुआ हूं एथलेटिक में। सब बकवास, फुल फर्जी हो तुम। वाह, आंटी जी नमस्ते। मैं आंटी ना हूं तेरी, तू भूल जावे कि तू टीचर था मोंटू का, अंकल है तू उसका। छोटी उम्र के दोस्त रखने से कोई जवान नहीं हो जाता। अरे क्यों सुबह सुबह बूंदी बूंदी बातें कर रही है? और बड़ी उम्र के दोस्त रखने से कोई समझदार नहीं हो जाता। आप बिना वकील साहब एकदम। जिसका टीचर ही ऐसा वो ढस हो उसका तो कई होगा, ऊपर से कुंवारा, ना खुद शादी की ना इसे करण दे रहा है। अरे वकील साहब, आंटी जी को बोलो पर्सनल ना होए, कुंवारा नहीं हूं मैं, विधवा हूं, विधवा। कल भी एक मीटिंग फिक्स कर रखी है। अरे ऐसे कैसे कर लूं शादी? ऐसे थोड़ी होती शादी। संडे हुए, लड़काट की मिले, समोसे खाए, शर्माए, दो झूठी बातें की, मुस्कुराए, हाँ बोला, कार्ड छपाए, घर वाले बुलाए, डीजे बजाए, घोड़ी चढ़े, होगी शादी। ऐसे थोड़ी होती शादी। ऐसी होती है शादी, और कैसे होती है? मेरी भी ऐसी हुई थी, दारा सिंह की भी ऐसी हुई थी, और तेरी भी ऐसी होगी। अरे पापा, एक बारी मिलकर क्लैरिटी कैसे आएगी कि लड़की के साथ ट्यूनिंग बैठेगी कि ना? अरे बेटा, तो ये बात तेरे को पहले बतानी चाहिए थी ना। कोई बात ना, मैं उनसे बात कर लूंगा कि अपनी बेटी को है ना दो चार महीने के लिए हमारे घर भेज दो, हमारे बेटे को है ना ट्यूनिंग बिठानी है। आपसे बात करनी थी। जी महेंद्र जी। मोंटू, उस दिन ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपके मम्मी पापा पार्क में बैठे थे तो हमें लगा कि, और उस पार्क में ना लड़के लड़कियां गलत हरकतें करने जाते हैं, और आपको पता है आजकल उम्र का लिहाज तो रहना गया, तो सॉरी। तुम माफी मांग रहे हो, सफाई दे रहे हो। सफाई देनी है तो माफी मत मांगो, और माफी मांगनी तो सफाई मत दो। और मैं समझती हूँ तुम्हारी सॉरी, अच्छी दिखती उसे निकल रहा है ना तुम्हारा सॉरी। अच्छी नहीं दिखती तो सॉरी बोलना तो छोड़ो, सोचा भी ना होता। अपना सॉरी अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे सॉरी में कोई इंटरेस्ट ना है। अरे पार्क में से क्या गलत करते हैं लड़के लड़कियां, और तुम कौन होने बताने वाले उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं, प्यार करना, एक दूसरे को लाइक करना, साथ बैठना, हाथ पकड़ना इलीगल है क्या? अगर तुम किसी को लाइक करने लगोगे तो हाथ नहीं पकड़ोगे, साथ नहीं बैठोगे, नहीं सीधा घर ले जाओगे, होटल ले जाओगे। तुम्हारे जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? चौधरी कॉम्प्लेक्स। इंसान बनने की औकात नहीं और भगवान होने का घमंड पाले बैठे हो। मे आई कम इन मैडम? आइए आइए सिंह साहब, आइए बैठिए, आइए आइए। गुड मॉर्निंग मैडम। मंटू, इनसे मिले हो? आई एम सिंह। आई एम हुड्डा। इंदर मोहन सिंह। और ये मोंटू हैं। मोंटू, आज से तुमको सिंह साहब को असिस्ट करना होगा। असिस्ट क्यों? क्यों से क्या मतलब है? स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि आज से स्पोर्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। जिस स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देगी। मेरा तो यही सपना है भाई कि रिटायरमेंट के पहले यहाँ एक नई विंग खुल जाए और सर छोटू राम स्कूल सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जाए। हाँ पर मैडम, ये काम तो बच्चों से मैं भी करा सकता हूँ। पर मोंटू, सिंह साहब नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से पास आउट हुए हैं। सही बोला ना मैंने? जी बिल्कुल। अब क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके साथ काम करेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहाँ से हैं? मैं तो अपना ये सब्जी मंडी के बीच। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपने पढ़ाई कहाँ से की? ये तो ऐसी स्कूल से पास आउट है, मेरे बच्चे जैसा ही है। इसके पिताजी का टेलीफोन आया कि बहन जी अगर कुछ हो सके तो इसका कर दो, तो वैकेंसी थी मैंने रख दिया, बन गए भाई पिट्टी आई। यहाँ का छोड़िए, पूरे देश का यही हाल है। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता है कि पीटीआई बनने के लिए भी डिग्री चाहिए होती है। चलिए धीरे धीरे सब बदलेगा, हम ही बदलेंगे, बदल देंगे। एक और क्वालिफिकेशन है मेरी, मैं स्टेट लेवल तक पहुँचा हुआ हूँ एथलेटिक में। कोई बात नहीं, हर आदमी थोड़ी बन पाता है, पर बच्चों को बनाएंगे। फिर क्या दिक्कत है मेरे यार भाई? सैलरी मिलेगी पीटीआई की, काम होगा असिस्टेंट का। सुन, उठवा लेते हैं साले को। और क्या करेगा उठा के? वर्जिश। पहले उठा तो लेंदे, फिर देखते हैं क्या करना है। मुर्गा बना के ही थूत भर जाऊंगा साले की, टांग तोड़वा दूं, एक्सीडेंट करा दूं। ले अभी नागर को फोन कर रहा हूं, रुक भाई। तीन बार सरकार देख लेने से ना कोई डोन ना बन जाता।
तू हलवाई है यार, अपनी औकात मत भुला कर। चल कोई बात ना, गर्मा गर्म कचौड़ी में जमाल घोटा मिला के खिलवा देते हैं साले को, पेट पकड़ के भागे। अरे चुप रे, शांति रख, मैं करूंगा हैंडल, जा तू। करते रहो भाई। आई हैव डिसाइडेड, आई विल टॉक टू उषा। इंग्लिश। एक तो शुक्ला जी आपका फेक कॉन्फिडेंस है ना, इसने आपकी मरवाई और अब मेरी मरवाएगा। आप एक काम कर दो प्लीज, इसकी बत्ती बना के ना। जहां तक बात है ना औकात की, मैं कल हलवाई था, आज हलवाई हूं। तू कल पीटीआई था, आज असिस्टेंट रह गया। मास्टर जी, आपको क्या लगा था मास्टर जी, आप आओगे, नौकरी ले जाओगे, छोकरी ले जाओगे, इज्जत ले जाओगे, है ना? मास्टर जी, हमारा हरियाणा, हमारा शहर है, ये यहाँ ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स जी, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। सही बोले, और सोचो हम तो हैं ही शेर, और हमारी गली में ना मास्टर, बाहर से वो शेर भी कुत्ता होता है। गलत गली में आ गए हो मास्टर, सिखाएंगे तुम्हें भी दो मिलाना सिखाएंगे।